Hello everyone, my name is Priyank Machi. Topic for the today's video is meaning of the constitution law and constitutionalism. In this module title, constitution law and constitutionalism, I am going to briefly introduce the concept of constitutionalism and constitution law. To begin with, I briefly outline the learning outcome of this module in form of some important questions. First one, what purpose is constitution intend to serve? What is constitutionalism? And we discuss the meaning of constitution, why it necessary for our country. Constitution is set of legal rules which govern by the government. ऐसे rules जो government को govern करते हैं, किसी भी country को govern करते हैं. So constitution एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स होंगे और वो रूल्स जो गवर्नमेंट को गवर्न करेंगे एंड दैट्स व्हाई इट्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द वे ऑफ लाइफ वैल्यूज गोल्स आइडियाज ऑफ द पीपल एंड नेशन ऑफ द पीपल्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक गोल है जो हमें अचीव करना है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन है उस गोल को अचीव करने का एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वन ऑफ द ब्रॉड टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज पॉसिबल विदाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट देर आर सम एक्सेप्शन For example, UK, United Kingdom. Similarly, even in the presence of constitution, constitutionalism may be absent. कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है पर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वो होता है कि हमें कंट्री को कैसे चलाना है तो हम यह कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच स्टेट्स दैट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिटरमिनेंट अ बॉडी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ऑल्सो समटाइम रिगार्डेड एज सिनोनिम फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी तो गवर्नमेंट भी बाउंड हो जाएगी अगर गवर्नमेंट की पावर जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगी गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है और रूल्स के अंदर आती है यही आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मींस टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर है दिस अरेंजमेंट विच फोर्सेस द रूलर्स टू स्टे विद इन देयर ज्यूरिडिक्शंस बाय मींस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि यह व्यवस्था जो शासक को लिखित संविधान के माध्यम से उनके अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर करती है उस व्यवस्था को हम संविधानिकता कहते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वी स्ट्राइव टू पुट टू लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट फर्स्ट वन इज पावर प्रिस्क्राइब एंड सेकेंड वन इज प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फर्स्ट वन पावर प्रिस्क्राइब कि गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दी गई है दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकती मतलब वही पावर यूज कर सकती है जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं और सेकंड वन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कि गवर्नमेंट किस तरह से कौन से तरीके से अपने पावर यूज कर सकती है उसे कहते हैं प्रोसीजर प्रिस्क्राइब सो एट एंड ऑफ द वीडियो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंडर में रूल्स ऑफ लॉ है कोई मैन या गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है यहां लॉ रूल कर रहे हैं एंड लॉ आर रूलिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर द रिमेनिंग सिलेबस